गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपका कस्टम भाई, मतलब मैं नया कस्टम कराता हूँ और BGMI का कस्टम। अगर आप लोगों को भी खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से सीधा ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहीं से आईडी और पासवर्ड मिलता है। तो कुछ दिनों में ही मैं डिस्कॉर्ड बनाने वाला हूँ, तो फिर डिस्कॉर्ड का भी लिंक मैं डाल दूंगा। और अभी कुछ दिनों के बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाकर सीधा ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई अभी आगे बढ़ना चाहता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है एक हैकर, जो कि मैं आफ्टर कस्टम खेलने के बाद, मतलब कस्टम कराने के बाद में आफ्टर मैच एक मैच खेलूँगा ये सोच के आया था, बट यहाँ पे मिल जाती है हमें एक हैकर जो कि हमें स्कूल अरोजक के बीच में मार देता है, ठीक है। तो ये बंदा का स्पीड है देखो भाई। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग प्लीज़ 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 हेडफोन यूज़ करना, क्योंकि आगे जाके बहुत ही ऑल पे गंदी गंदी गाली पड़ने वाली है इस वाले हैकर को, तो थोड़ा हेडफोन यूज़ कर ही लेना, क्योंकि गंदी गालियाँ भाई हैकर को तो सारे बंदे देते हैं, बट हमने नहीं दिया है, डोंट वरी, हम वैसे टाइप के बंदे नहीं। और यहाँ पे देखना भाई, मैकलरन BGMI पबजी KR वर्जन कुछ भी कह लो, सबसे तेज़ व्हीकल है मैकलरन, ठीक है। अब यहाँ पे मैकलरन को पीछे छोड़ते हुए हमारे हैकर भैया जो कि सामने की ड्रॉप की ओर दौड़ रहे हैं, और मैकलरन कहाँ पे है आप लोग देख सकते हैं, जो कि पीछे पीछे आ रहा था मैकलरन, और क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप पे आ चुके हैं भाई साहब ड्रॉप लूटने के लिए, और ड्रॉप की क्या ही ज़रूरत है भाई को, जो कि सिंगल शॉट में मार रहे हैं बंदे को। और यहाँ पे स्पॉट एक बंदा हो भी जाता है, और यहाँ पे देखा भाई, अब ये बंदा कर भी क्या सकता है जबकि ये मैकलरन से तेज़ दौड़ रहा है। और मैकलरन देखो भाई कब आ रहा है, जो कि एक साथ रेस लगा के बैठे थे ये लोग, एक साथ रेस कर रहे थे। और यहाँ पे देखना, वो बंदा उस बंदे के कैरेट को लूटने के बाद में यासना कब पहुँचते हैं, और ये बंदा भाई क्राउच करके दौड़ रहा है इतना स्पीड। अगर ये खड़ा होकर दौड़ता तो भाई, आप लोग आगे चल के देखना, और काफ़ी इंटेंस फाइट होने वाली है और काफ़ी इंटेंस गालियाँ भी मिलने वाली है इस वाले हैकर को। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली इस वाले हैकर को, ठीक है, जो कि ऑल से पड़ने वाली है इसको, इसके टीममेट सुनेंगे और ये तो खेल रहा होगा। तो यहाँ पे ये बंदा आ जाता है ऊपर के साइड में, और भाई मिल्टा भाई पूरा इरेंगल ये कवर कर रहा है, पूरा इरेंगल ये कवर कर रहा है एक अकेला बंदा, और इसके टीममेट भाई इसके पीछे पीछे मैकलरन लेके, तो वो लोग पहुँच जाते शायद यासनाया, और ये बंदा जा रहा होता है यासना। और अब यहाँ पे देखो भाई स्पीड इसकी, अब यासना पहुँचने में शायद हमें मैकलरन हो या फिर बाइक हो, तो टू व्हीलर हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट यहाँ से स्पॉट कर लिया है इसने किसी को। और यहाँ पे एक था ESP हैकर, और उसके पास शायद मैजिक बुलेट भी था, जो कि यहाँ पे इसके टीम में क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ से, और इसके पास था भाई महंगा वाला हैक जो कि वॉल हैक, और यहाँ पे इसको भी पता चल चुका है कि अब सामने वाला हैकर है, क्योंकि ये 0 SP बच चुका है, और मैजिक बुलेट भाई Level 3 का हेलमेट उड़ाने वाला था। तो यहाँ पे अब इसको पता चल चुका है कि सामने वाला हैकर है, तो थोड़ा सा अलग ही टाइप से ये पुश करेगा, नहीं तो ये पुश कर चुका होता अभी तक, क्योंकि हैकर होने के बावजूद भी ये ऐसा टाइप से खेल रहा है कि क्या ही बोलूँ भाई, कैंपिंग करके खेल रहा है हैकर होने के बाद भी। और देखो भाई आगे कि ये हैकर पे क्या होता है। और यहाँ से सिंगल शॉट से मारने की कोशिश, और वॉल हैक भी है भाई के पास, तो टेंशन का कोई बात भी नहीं है, क्योंकि वॉल के आर पार भी मार सकते हैं भाई, नज़र पारदर्शी है भाई की, तो देखना वीडियो को पूरा आखिरी तक। और यहाँ से नॉक निकालने की कोशिश, और एक बंदा को नॉक निकाल भी चुका है, और ये पुश नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी ESP है, और जिसके पास ESP है वो अभी तक जिंदा ही है, तो ये भाई साहब अब रोटेशन देंगे, ठीक है। लाइफ में पहली बार मैंने हैकर को रोटेशन देते हुए देखा है, और शायद आप लोगों भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल शॉट में मारने की कोशिश, बट इसको भी पता है कि सामने वाला बंदा के पास ESP है और मैजिक बुलेट है फ्री वाला, तो यहाँ पे इसको भी डर है कहीं ना कहीं कि ये भी फिनिश हो सकता है, तो ये दूर से ही फाइट ले रहे हैं। और रोटेशन भाई देखो, कभी इधर तो कभी उधर, कभी तुम आगे तो कभी हम पीछे, तो ऐसा टाइप से चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से नॉक निकालने की कोशिश, बट
एक टीममेट क्लियर हो चुका है और दूसरा भी क्लियर होने वाला है, तो देखना आप। चार नंबर तो ऑफलाइन चला गया है, तो यहाँ पे तीन नंबर जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तीन नंबर सामने की ओर चला गया है और चार नंबर शायद फिनिश हो चुका है। तो यहाँ से फिर से वो आ चुके हैं रोटेशन दे के, जो कि अब वाल के थ्रू मारने की कोशिश करेंगे हमारे लेजेंड हैकर भाई साहब। तो यहाँ से फिर से नॉक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ से शायद एक या फिर दो वाल के बाद वाल है काम नहीं करता है, इस वजह से ये सिर्फ स्पोर्ट कर रहा है बंदे की पोजीशन जानने की कोशिश कर रहा है शायद, या फिर बटन वगैरह ऑन कर रहा है। तो यहाँ से फिर से एक नॉक निकाल चुका है, ठीक है, तो फिर से यहाँ से एक नॉक निकाल चुका है, बट यहाँ पे पुश करना भाई इसके भी पिछवाड़े में दम तो कहाँ है। अब यहाँ पे सीधा आ जाता है ये इसके पास और इसका जो तीन नंबर है वो नॉक फिनिश हो चुका है, क्योंकि इसके तीन नंबर को पता है कि ये हैकर है और ये बचा लेगा ये सोच के भाई साहब यहाँ पे पुश कर दिया था। बट यहाँ पे भाई साहब का भी कोई दाल नहीं गल रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये भी फिनिश हो सकता है, क्योंकि उनके पास भी हैक है, ठीक है, जो यहाँ पे जो बंदा है टीम है यहाँ पे, उसके पास भी हैक है। तब यहाँ पे फिर से भाई साहब रोटेशन देंगे, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि सामने वाला हैकर है और ये एसपी है उसके पास, और यहाँ ये जहाँ से पिक करेगा इसको वहीं से पढ़ने वाली है। भाई साहब देख रहे हो बंदे, भाई हैकर चार चार हैकर थे यहाँ पे, और लास्ट के जो हैकर था जो कि ईएसपी वाला हैकर था जो कि अभी शेल्टर के साइड में इसके साथ फाइट होने वाला है, तो भाई यहाँ से नॉक निकालने के बाद ये पुश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि ये भी क्लियर हो सकता है। तो भाई साहब अब क्या सोचेंगे पता नहीं, जाएंगे अब पीछे शेल्टर के साइड में, शायद इसको तो फुटस्टेप भी भाई चार चार पाँच पाँच सौ किलोमीटर दूर से आते होंगे। तो भाई वीडियो देखो अब, ठीक है, और यहाँ पे गंदी गालियाँ जो पड़ रही है वो अलग से। यहाँ से ये भाई साहब एक साथ दो साइड में फाइट लेंगे, एक शेल्टर के साइड में और एक यासना के साइड में, देखना अब, ठीक है, और क्या ही गंदी गाली पड़ी है भाई, वीडियो को पूरा देखना। अब मैं यहाँ से वॉइस ओवर बंद कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो को देखो। बाहर क्यों जा रहे हो सुमित भाई? यार मरोगे, बाहर मत जाओ, अंदर ही सही हो तुम, हमारे पीछे आ गया। और मोड़ कैसा लगा? वो साला तुम्हारे पीछे आ गया, अरे नहीं आ पाएगा वो भोसड़ी का, इसकी बस की नहीं है, गार्ड में औकात नहीं है। अरे भोसड़ी का तेरी औकात कहाँ थी, हैक लगा के भी कैंपिंग कर रहे थे बहन के लोड़े। ओ बहन के लौड़े, तेरी बाकी चीज तेरी कोई औकात नहीं, बहन के लौड़े टीपीपी लगा के बैठा है, एक लगा के टीपीपी ले रहे हो, चारों एक साथ कमरे में बैठे मम्मी चुड़वा रहे थे क्या, तू तेरे मां चुड़वा रहा था, तू बहन के लौड़े नीचे अपनी है, मां चुड़वा रहा था बहन के लौड़े। हम लोग हैकर हैकर हो के भी भोसड़ी के साले अंदर कैंप कर रहे हैं, हैकर है तो भोसड़ी के बराबरी का हैक लगा के आना, तेरी मां की चुड़वा बराबरी क्यों, तुम्हारे को औकात नहीं है क्या, बहन के चुड़वा लौड़े, तेरी मां का भोसड़ा बहन के लौड़े, मादर तेरी वाला कोई औकात है, तेरी बहन के लौड़े मादर सुसाइड तो मत करो यार, सुसाइड ही करना पड़ेगा वरना मम्मी चूत जाएगी। पापा बोलते रे पापा, सुसाइड करो वरना बहन पापा बोलते, पापा बोलते लोड़े, पापा बोलते, पापा बोलते, बहन के लौड़े तेरी माँ का घोषणा, अरे बोलते हैं मादर छोड़, कोई सुसाइड करना पड़ता है क्या, दिन आ गए लोड़े लोग, एक बहन के लौड़े का बहन छोड़ का फ्लैश लगा के भी माँ छोड़ रही है, इसकी बहन का लंड वही बैठा हुआ है, देख रहे हो आज से वही बैठा हुआ,
हीलिंग भी लिख लो मस्त आराम से हीलिंग कर मस्त आराम से बात करो अबे स्तुतियो बिना मार्च करते हो स्तुतियो तुम हीलिंग करो अरे तुम हीलिंग करो अरे हीलिंग मार छुड़ाने बहन का लौड़ा वही अपनी मार छुड़वाएगा ये बहन चलिए ये बहन समझो मर गया ये मर गया जो कि सीधा हेड पे पड़ी थी आप लोग ने देखा ही होगा शायद। और यहाँ पे दो बंदे हैं जो कि भाई मतलब क्या ही बोलूं भाई एक के एक से बढ़कर एक हैकर यहाँ पे थे और ये दो नंबर भी शायद नहीं हैकर ही था जिसके पास ESP हैक था और मैजिक बुलेट था ठीक है। तो यहाँ पे तीन चार हैकर थे उसी वजह से भाई ये जो महंगा वाला हैकर था वो तो हो चुका है क्लियर। अब देखते हैं कि दो बंदे और ये दो बंदे चार बंदे बचे हुए हैं तो अभी यहाँ से देखना कि भाई साहब कैसे करके बंदे स्पॉट करते हैं ठीक है। और यहाँ से निकलने की कोशिश पीछे के साइड में देख रहे हैं कोई बंदा पीछे तो नहीं है तो इनको पता चल चुका है कि अब पीछे बंदा कोई भी नहीं है तो अब लोग ये लोग निकलेंगे आगे की ओर जो कि सामने के साइड में। और भाई साहब ने स्पॉट कर भी लिया देख भी लिया कि बंदा सामने की ओर है बट यहाँ से इनको ये नहीं पता कि है कि सामने वाला भी हैकर है या फिर मतलब नॉर्मल प्लेयर है तो इसलिए थोड़े से डर रहे हैं ये लोग भी आगे जाने से क्योंकि इनको भी चिकन चाहिए होगा। अब शायद यहाँ से निकल सकते हैं ये सब आराम से क्योंकि भाई इनको पता है कि बंदे का सबका लोकेशन पोजीशन सब पता है। और ये भाई साहब बंदे स्पॉट कर रहे हैं और इनको कैसे पता कि हमें यहाँ से किल मिलने वाली है तो यहाँ पर उतर जाते हैं और बंदे अब देखना भाई कैसे बंदे स्पॉट करते ठीक है। अब यहाँ से M4 निकाला और भाई साहब पीछे के साइड से दौड़ रहे हैं शायद मेरे हिसाब से क्योंकि मैं तो एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मुझे मैं तो पहले ही मर गया तो यहाँ से बंदे स्पॉट करने की कोशिश और कोशिश जारी है भाई साहब के तो बंदे स्पॉट नहीं हो रहे। फाइनली यहाँ से बंदा स्पॉट हो चुका है और ये भाई साहब थोड़े वेट कर रहे हैं ताकि इनको मतलब हमको ना लगे या फिर जो मर रहा है उनको ना लगे कि ये हैकर है तो फिर रिपोर्ट आ जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगा तो इसी वजह से ये थोड़ा सा होल्ड पोजीशन करके और बंदे को आराम से मारेंगे। और एक नंबर के भाई कुछ शायद किल नहीं थे और भाई इस दो नंबर को भी पहले से ही पता था होगा कि ये यहाँ पे इस लॉबी में बहुत सारे हैकर हैं और इनका एक एक किल ही है इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है चिकन जिसमें कि ज़्यादा प्लस होते हैं सर्वाइव करना रहता है। तो भाई ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और क्राफ्टन वालों के पास पहुँचाओ भाई कि पैसे दे के हैक करने से अगर बैन नहीं होते हैं अकाउंट तो फिर हम भी हैक यूज़ करेंगे तो उनको बताओ भाई। और ये था हमारी मौत का तांडव जो कि इस हैकर ने रचा था और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे करके हम लोग मर चुके हैं जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही डाल दिया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।